तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह है आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे 10, उनके आंसर्स हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये सभी के सभी आंसर्स आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपका स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर का DSSSB में आएगा। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन हैं और 10 के 10 ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि लास्ट टाइम पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को इसका आंसर जो है जरूर देने हैं, जो नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन किया करेंगे उनके, क्योंकि भाई काफ़ी लोग जो है वीडियो देखते हैं मगर कमेंट करके आंसर बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो जो आपकी झिझक है, जो है ना, आप शर्माते हैं आंसर देने में, इस टाइप से मत कीजिए। क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिए। जब आप आंसर देंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। कहीं से ढूंढिए, है ना, गूगल से या किसी बुक से ढूंढने के बाद जो है आप आंसर जरूर किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। स्नेडन चार्ट का उपयोग जो है क्या नापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर दृष्टि तीक्ष्णता। दृष्टि तीक्ष्णता का मतलब है कि सामने जो हमारी आंखें हैं वो कितनी दूर तक देख पाती हैं। ठीक है, ये होती है दृष्टि तीक्ष्णता। नेक्स्ट आपका स्नेडन चार्ट है उसका आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर हरमन स्नेडन ने। नेक्स्ट है ब्लाइंड के लिए दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होनी चाहिए, तो ये है आपका 6/60 मीटर या 20/200 से कम। यहाँ पर जो है कम शब्द है जो, ये इसका ध्यान जरूर दीजिएगा कि 6/60 मीटर से कम या 20/200 फीट से कम। ये जो है फीट है 20/200। ठीक है, यहाँ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लांट के लिए जो है दृष्टि क्षेत्र कितना होना चाहिए। ये सबका सब PWD 1995 के अकॉर्डिंग है, मगर आपका जो RPWD 2016 है उसमें ये दोनों चेंज हो चुकी है। विज़न जो आपकी एक्विटी है वो भी, और जो विज़न फील्ड है वो भी, यानी कि जो दृष्टि तीक्ष्णता है, दृष्टि क्षेत्र है, दोनों चीज़ों को चेंजेस में किए गए हैं। तो PWD 1995 कहता है 20 डिग्री से कम। तो सामान्य दृष्टि वाला जो व्यक्ति है कितने डिग्री तक देख सकता है, तो वह है लगभग 180 डिग्री। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपका रेटिना से पहले। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस जो है प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस यहाँ पर है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, भाई इसका आंसर बहुत जो है गलत दिया जिसने भी दिया है, एक दो लोगों ने, तो ये है पर जब प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, तो ये आपकी दोस्तों रेफ्रैक्टिव एरर्स जो है ये कहलाती है। ठीक है, ब्लाइंडनेस ये नहीं कहलाती है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपकी प्रत्यावर्तन त्रुटियां हैं। ठीक है, इसको जो है सुधारा जा सकता है चश्मों के द्वारा। ठीक, तो चलिए भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और भाई आंसर जो है सभी लोग क्वेश्चंस के जरूर दीजिए।